देखा आपने दलेबू पड़ जाता है बीमार, गंदगी के कारण दलेबू पड़ गया बीमार। बीमार आदमी कहाँ जाते हैं? अस्पताल। लेकिन दलेबू मंद बुद्धि वाला पुराने ख्यालातों का जाता है तांत्रिक बाबा के पास। अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या बात। आजकल मैं बेरोजगार हो गया हूँ और खाने पीने के मामले में लाचार हो गया हूँ। कोई मुर्गा नहीं फंस रहा है, कोई मेरी कुटिया में नहीं आ रहा है। बाबा जी की जय हो। पुत्र मेरे तो 2 संतान हुई, उसके बाद परिवार नियोजन अपना लिया था, 6 कहाँ से हो गया। बाबा जी की जय नहीं बोला, बाबा जी की जय बोला है। कल्याण हो, कल्याण हो। पुत्रवती भवा, पुत्रवती भवा। बाबा जी आपका बड़ा नाम सुना है। बाबा जी सुना होगा यूट्यूब पे। दरअसल में बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी क्या, हम तो स्वामी बनने के भी लायक हैं। दरअसल में बाबा जी सारा परिवार परेशान है। किसका? मेरा। मेरा उल्टी दस्त चक्कर, एक दिन में 4-4 सोलार खराब कर। अब ये बताओ बाबा जी ये बीमारी कैसे लग गई? बहुत दिनों से सारा परिवार सारा गांव परेशान है। कुंडली, अपनी मुंडली कुंडली लाओ। क्या उम्र के हिसाब से तो कुंडली बहुत छोटी मिली। आपने अपने जन्म कुंडली को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया क्या? अगर मरोगे तो यमराज और धर्मराज के बीच में फंसे रहोगे, तुरंत लिंक कराओ। अच्छा हो। बताओ बाबा जी बीमारी कैसे लग गई? तुम्हारा नाम दलेबू है? हाँ बाबा जी। तुम्हारा 3-3 संतान है? 3-3 नहीं बाबा जी, खाली 3 है। मैंने फोटो स्टेट किया 3। अच्छा। एक का नाम सुरेश, एक का नाम महेश, और तीसरे वाले का नाम खबेश है। बाबा जी 17 तारीख को तुमने 24 किलो गेहूँ खरीदा था। समझा बाबा जी। और 4 तारीख को 35 किलो चावल खरीदा। हाँ बाबा जी खरीदा। और आज सुबह टुडे अर्ली मॉर्निंग तुमने 12 दर्जन मिट्टी का तेल खरीदा। 12 दर्जन नहीं बाबा जी, 12 लीटर। लीटर और मीटर का मुझे पता होता तो संयुक्त चिकित्सालय में मैं टीचर होता। चिकित्सालय नहीं, विद्यालय में। मुझे नहीं पता। अच्छा लेकिन देखता हूँ ये बीमारी कैसे लगा। दोनों भाई बहन हाथ जोड़। बहन नहीं, मेरी पत्नी है वो। ये पत्नी है? अरे हम मर गए थे क्या? हम अच्छा सा तलाश करने वाले के। हाथ जोड़ो दोनों भाई बहन। वो क्या हो तुम? दोनों बाप बेटी नहीं, उम्र के हिसाब से बोला। बोल सुबह शाम कहाँ जाता है? सुबह शाम तो कहीं नहीं जाते बाबा जी। झूठ मत बोल, दोनों किडनी निकालूंगा। बोल कहाँ जाता है? जाते हैं सुबह शाम, हम बोतल पकड़ के खुले में सोच जाते हैं बाबा जी। खुले में सोच जाते, ये भी जाते मेरे साथ, बड़े वाली पत्थर में ये बैठे वाले में। शर्म नहीं आती? आफत है तुम पे। आपने लानत। हाँ वही वाला, लानत है तुम पे। खुले में शौच करते हो? घर में चूशाले है? घर में शौचालय है, उसमें क्या करता? पराठा बना, बिना तेल का बना के। तुम पे शराब लग गया। शराब किसका? धरती माता का। धरती माता का शराब? तो शराब नहीं लगेगा तो प्रमोशन होगा। धरती माता को गंदा कर रहे हो, धरती माता में कूड़ा फेंक रहे हो, शौच कर रहे हो, तो शराब नहीं लगेगा। तो बाबा जी बचने के लिए उपाय?
बचने के लिए तो मरना पड़ेगा। नहीं नहीं देखो जब तुम मेरी चरण में आए हो, चरण में आए हो तो मैं तुमको वापस नहीं जाने दूंगा। मैं निराश वापस नहीं जाने दूंगा। मैं तुमको मोती दे दूंगा। मोती नहीं बाबा जी, मोती वही बोल रहा हूँ। एक ही नारा एक ही नाम, कच्चा बदाम कच्चा। लो पुत्र, जाओ सीधा अपने भीतर। अच्छा, और इसको अपनी बाई तरफ रखना। बाई तरफ ये रहती है। इसको तलाक दे दे। पर जाएगा। और नहीं पड़ेगा। अच्छा, तभी पड़ जाएगा। बाबा जी को प्रणाम करो, प्रणाम करो। ए, मेरे जूते मत चुराना। और दक्षिणा, दक्षिणा माई जी को दे देना। अच्छा, मुगल पे कर, मुगल पे कर। बाबा जी की जय हो। जाओ जाओ कल। मूर्ख कहीं का, जन्म कुंडली के स्थान पे मुझे अपना राशन कार्ड थमा गया। अभी तो फटाफट गेहूं चावल चीनी मिट्टी का तेल का भाव बता। मूर्ख अपनी धरती माता को गंदा कर रहा है, कूड़ा फेंक रहा है और मुझे से ढोंगी बाबा के पास चला जा रहा है। लेकिन मेरा क्या खाने का जुगाड़ हो जा रहा है। हरिओम तंसा।